एक वीडियो में मैं आपको दिखाया था कि मोबाइल फ़ोन से कोरोना वैक्सीन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो मेरे पास काफ़ी सारा कमेंट आने लगा है और उसमें पूछा जा रहा है कि सर लैपटॉप से कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, इसका एक कंप्लीट प्रोसेस वीडियो बना के दिखाइए। सो गाइस, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको ये बेनिफिट होगा कि मैं रोज़ नया नया वीडियो में पर डे अपलोड करता रहता हूं और उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आपको मेरे वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ नॉलेज गेन होगा। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आप लैपटॉप से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने के लिए आपको इस पेज पर आना पड़ेगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इससे पहले मैं मोबाइल फ़ोन से बताया था कि किस तरीके से आप कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो मेरे पास काफ़ी सारा कमेंट आया हुआ था और उसमें पूछा गया था कि सर अगर मेरे पास शॉप है या मैं साइबर कैफे चलाता हूँ तो मेरे पास जो कोई कस्टमर आएगा तो उसको हम कैसे ऑनलाइन कोरोना वायरस के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसका एक कंप्लीट प्रोसेस बताइए। सो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप लैपटॉप से अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है कोरोना वायरस रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो वो आप यहां से बहुत ही आसानी से आप उसको करके दे सकते हैं और उससे आप 100 से 150 रुपीज़ तक का चार्ज भी कर सकते हैं और वो आपको देगा भी। क्यों? क्योंकि ये जो है कोरोना वायरस के डर सभी को है और सभी जो है मरने से बचना चाहता है तो वो ज़रूर आपको 100 अगर आप चार्ज करते हैं या 200 चार्ज करते हैं तो भी आपको वो देगा, क्योंकि भैया उसको ना कोरोना वायरस इंजेक्शन की ज़रूरत है, वैक्सीन की ज़रूरत है। तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लैपटॉप से कोरोना वैक्सीन के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है तो भी आप इसी विधि से आप उसको रजिस्ट्रेशन कर देंगे और उससे आप अच्छी खासी इनकम अर्न कर सकते हैं। तो कैसे करना है, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर देखिए, यहां पर आप कुछ टर्म एंड कंडीशन है, इसको आप एक बार इसको रीड कर लीजिए। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद कुछ हाईलाइट है उसको मैं आपको दिखा देता हूं। यहां देखिए आपको फोर स्टॉप फ्लो करने पड़ेंगे। यहां पर पहले आपको रजिस्ट्रेशन कीजिए, इसके बाद लोकेशन ट्रेस कीजिए, इसके बाद स्लॉट बुक कीजिए, इसके बाद वहाँ पर आपको इंजेक्शन वैक्सीन लगेंगी। इसी तरीके से आप जो है अगर आप दिल्ली है, बॉम्बे है, कोलकाता है या कहीं भी गाँव कस्बा में है तो आप पहले क्या कीजिए कि अपना लोकेशन ट्रेस कीजिए कि आपके अगल बगल में कहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर है। तो यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे पॉइंट है, तो देखिए फाइंड योर नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर, इसमें अपना एड्रेस डाल के यहाँ लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे करंट लोकेशन है तो यहाँ पे अपना लोकेशन डाल के ट्रेस कर सकते हैं कि आपके अगल बगल में कहाँ पे जो है ये वैक्सीन का सेंटर है। यहाँ पे मैं अपने डिस्ट्रिक्ट डाल के देखता हूँ कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में जो है ये जो है सेंटर अवेलेबल है या नहीं। तो मैं यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देता हूँ। इस तरीके से आपको अपने जिला, कस्बा, गांव का नाम डाल देना है और यह डालने के बाद यहां पर देखिए कि इस तरीके से आपको आ जाएगा। यहां पे आप इसी तरीके से चेक कीजिएगा आपके अगल बगल में कहां है, जहां भी होगा उस पर आपको सर्च कर देना। जैसे मेरे यहां नज़दीक में है तो मैं यहां पे क्लिक कर दूंगा। अगर आपको जहां भी है उस तरीके से आपको वहां पे क्लिक कर देना। जैसे मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो मेरे जो अगल बगल में वो सारे के सारे यहां पे देखिए आ चुका है, इतने सारे के सारे यहां पे अगल बगल में और यहां पे आपको मैप में भी यहां पे शो हो रहा होगा। इस तरीके से आप इसमें आपको जो भी एड्रेस होगा उसमें से आप बहुत आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी होगा इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ मैप में भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है, इस मैप के थ्रू भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए रजिस्टर योर सेल्फ या ऊपर में भी आपको यहाँ मिल जाएगा, तो यहाँ से भी रजिस्टर साइन इन कर सकते हैं या आप यहाँ से भी कर सकते हैं। चलिए हम यहीं से कर लेते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ गेट OTP पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। OTP डाल के आपको यहाँ पे वेरीफाई कर देना होगा।
यहाँ पर देखिए मैं मोबाइल नंबर डाल दिया हूँ, ये मोबाइल नंबर जो है कस्टमर को शो नहीं होगा, ये आपका हार्ड रहेगा। तो यहाँ गेट OTP क्लिक करेंगे, आपके जो मोबाइल नंबर यहाँ पर देखिए सेंड कर दिया गया है, तो यहाँ पे मेरे केस में आ गया है। मैं यहाँ पे OTP डाल देता हूँ, आपके नंबर में आएगा केस में, तो आपको इसी तरीके से OTP डाल देना है। OTP डालने का सिंपली वेरीफाई वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए कि आपका जो नंबर वेरीफाई हो चुका है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि रजिस्टर फॉर वैक्सीनेशन, तो इस तरीके से यहाँ पे आप जो है पहले आईडी प्रूफ, फोटो आईडी प्रूफ देंगे, तो फोटो आईडी प्रूफ वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पासबुक, इस तरीके से वोटर आईडी भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई एक प्रूफ आपको देना। चलिए मैं यहाँ से आधार कार्ड को चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो भी आपका आधार नंबर है वो आपको यहाँ पे आधार नंबर डाल देना, जैसे मेरे पास में यहाँ पे आधार नंबर है, मैं अपना आधार नंबर इस तरीके से यहाँ पे डाल देता हूँ। आधार नंबर डालने के बाद जो भी आधार पर नाम है वो यहाँ पे आधार का नाम डालना है। इसलिए यहाँ पे जो है आपका ईयर ऑफ बर्थ डालेंगे, मतलब कौन सा ईयर में पैदा हुए थे वो आपको यहाँ पे डाल के यहाँ पे रजिस्टर वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे रजिस्टर वाले पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने में कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल रजिस्टर सक्सेसफुल्ली, और यहाँ पे देखिए आप रजिस्टर हो चुके हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि यू कैन ऐड फॉर इंडिविजुअल, मतलब आप एक बार में चार आदमी को इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ऐड वाले पे क्लिक करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे जो फोटो आईडी प्रूफ है जिसका भी जो भी पर्सन को आप ऐड करना चाहते हैं इंजेक्शन के लिए, वो आप इसमें से उसका आईडी चूज कर लेंगे। यहाँ पे जो है जो भी आईडी चूज करेंगे वहाँ उसका नंबर यहाँ पे डालेंगे, नाम डालेंगे, जेंडर चूज करेंगे, और ईयर ऑफ बर्थ मतलब कौन सा ईयर में पैदा हुए वो डाल के यहाँ पे ऐड वाले पे क्लिक करेंगे, तो वो पर्सन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए आपका पूरा आ चुका है बायोडाटा। यहाँ पे शेड्यूल देखने के लिए यहाँ पे शेड्यूल वाले पे क्लिक करेंगे, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिलीट वाले पे क्लिक करके यहाँ पे इंडिविजुअल को डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ शेड्यूल वाले पे क्लिक करेंगे। शेड्यूल वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन आ जाता है नीचे, इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है, इसको आपको है एक बार रीड कर लेना है। इसके बाद यहाँ शेड्यूल अपॉइंटमेंट है, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इंजेक्शन लगवाने के लिए एक अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, उसी डेट में आपको जो है अपॉइंटमेंट बुक कीजिएगा, उस जगह पे आपको जाना पड़ेगा। तो पहले अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे चूज योर वैक्सीनेशन सेंटर नियरेस्ट, आपके नियरेस्ट में अगल बगल में कहाँ पे सेंटर है उसका पिन कोड यहाँ पे डालेंगे। जैसे मैं अपना पिन कोड यहाँ पे डाल देता हूँ, इसी तरीके से आपको अपना पिन कोड डाल देना है। सर्च वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इतने सारे जो है अवेलेबल स्लॉट है। यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं रेड वाला, यहाँ पे पढ़ सकते हैं देखिए इस तरीके से, तो रेड वाला नहीं है, और यहाँ पे देख रहे हैं ग्रीन वाला वो अवेलेबल है, और कौन सा डेट में आप बुक करना चाहते हैं यहाँ पे जो है इसको डेट भी बुक कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसी डेट में है तो यहाँ पे आप इस डेट में चूज कर लीजिए। यहाँ वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए नो अपॉइंटमेंट इज अवेलेबल, कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, तो इसमें बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद सिंपली यहाँ पे है, तो इस तरीके से आपको चूज कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए अप्रैल 3 अप्रैल तक का है अपॉइंटमेंट, तो आप यहाँ पे कोई भी एक बुक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 1 अप्रैल को चूज कर लेता हूँ, और यहाँ पे 1 अप्रैल को चूज करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे जो है ये CSC 50 वाले पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखिए ये आपको यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए फोर नून और यहाँ पर आफ्टर नून, मतलब सुबह में और शाम में, तो आप कब बुक करना चाहते हैं इसमें से स्लॉट अवेलेबल आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ मॉर्निंग चूज करता हूँ, तो मैं यहाँ पे इस वाले पे क्लिक करूँगा, यहाँ कॉन्फर्म वाले पे क्लिक करूँगा। जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कि आपका पूरा जो है इस तरीके से बायोडाटा यहाँ पर आपका ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर डेट टाइम और यहाँ पर देखिए कि परफॉर्मेंस आ गया। मैं यहाँ पे 1 अप्रैल चूज किया था, तो यहाँ पर देखिए कि मेरा जो है 1 अप्रैल में नहीं था, तो उससे पहले जो खड़े था उसमें मेरा कर दिया गया है। तो इस तरीके से आपका डेट आ जाएगा, यहाँ पे नाम, यहाँ पे रेफरेंस आईडी आ गया, यहाँ पे आपका आईडी आ गया। इस तरीके से यहाँ पे जो है आपका पूरा बायोडाटा आ जाता है, इसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जब भी आप इस सेंटर पर जाइएगा, तो उस सेंटर पर जाने के लिए आपको जो आईडी प्रूफ दिए, जैसे मैं यहाँ पर आधार कार्ड दिया हूँ, अगर आप वोटर आईडी देते हैं तो वो आपको उस सेंटर पर लेके जाना है, और ये जो प्रिंट आउट है ये प्रिंट आउट आपको साथ में लेके जाना है। तो आपको उस सेंटर पर बहुत ही आसानी से आपको जो है COVID-19 का वैक्सीन आपको लगा दिया जाएगा, और आपसे कोई भी चार्ज भी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको बात उत करना चाहते हैं तो यहाँ पर 1075 कॉल नंबर है, इससे आप उससे बात भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और आप जो है वैक्सीन कोरोना वायरस का लगवा सकते हैं। तो प्रिंट आउट निकालने के लिए प्रिंट वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए पूरा आपका ऑप्शन यहाँ पे ओपन होके आ जाता है।
इसको आप प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके जो सिस्टम में अगर आप प्रिंटर लगा हुआ है तो बहुत ही आसानी से इसको प्रिंट करके निकाल के रख सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में प्रिंटर नहीं है तो इसको आप सेव कर लीजिए, मोबाइल में लेके जा सकते हैं। तो प्रिंट वाले पे क्लिक करेंगे और मैं इसको सेव कर लेता हूँ अपने रिकॉर्ड के लिए। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कोरोना, कोरोना डाल के मैं सिंपल यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो ये मेरा जो सेव हो गया है। और यहाँ पे देखिए आपका टाइम है 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक आप जा सकते हैं। आपका रेफरेंस जो है कब का है वो यहाँ रेफरेंस आ गया, यहाँ नाम, रेफरेंस आईडी, फोटो, इस तरीके से आपका जो कौन सा डेट है वो आ जाता है। और यहाँ पे जो है सेंटर देख लीजिए, सीएससी बांसोपट्टी, न्यू बांसोपट्टी, मधुबनी, बिहार। तो यहाँ पे आपको ये सेंटर हो गया, इसी सेंटर पर आपको जाना है और आपको आधार कार्ड दिए तो आधार कार्ड और ये प्रिंट आउट आपको साथ में लेके जाना है। तो आपको बहुत ही आसानी से वहाँ पे आपको जो है वैक्सीन कोरोना वायरस का लगा दिया जाएगा। तो गाइज अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो मैं पर डे अपलोड करते रहता हूँ। तो आज आपने जाना कि किस तरीके से हम लैपटॉप से कोरोना वैक्सीन के लिए हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।